नमस्कार आदरणीय नेतावनी ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। कन्नौज में पार्टी काले में शनिवार को हुए महिला सम्मेलन में अखिलेश यादव के सामने एक युवक ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अखिलेश ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि भाजपा वाले से जान का खतरा है। दरअसल सम्मेलन के दौरान अचानक पहुंचे एक युवक ने उनसे सवाल किया और अखिलेश के बुलाने पर जय श्री राम के नारे लगाने लगा। इस पर मौजूद लोगों ने युवक को दबोचने की कोशिश की तो युवक धक्का मुक्की करने लगा। मंच पर मौजूद अखिलेश ने पुलिस के बीच बचाव करने को कहा और मंच से ही आरोप लगाया कि दो दिन पहले उनके मोबाइल पर एक भाजपा नेता ने धमकी दी थी। अब सपा भाजपा वाले बैठा हुआ जा नहीं सकता है थाने में, आपकी सुरक्षा में कैसे आ सकता है? आपके अंदर क्या कर रहे थे आप? आप क्या कर रहे थे? यहाँ से जा नहीं सकता वो, जा नहीं सकता, याद रखना। और अगर जाना है तो कप्तान साहब को लेकर आइए, लड़का लेकर के आ गया, वो तो हमारी जान ले लेता। इसलिए हम अपनी माता बहनों का धन्यवाद भेजेगी तो हम भी तो देखेंगे खतरा हमें भी था आपको भी था और खतरा उसे भी था। कल कोई और कर देगा इसी तरह सभा में आकर के, ये तो आपकी पार्टी कार्यक्रम है, ये सभा भारतीय नहीं है। अगर सभा भारतीय होती तो क्या बहाना होता? ये पार्टी कार्यक्रम है इसलिए इनका बहाना नहीं है। और कार्यक्रम उन्होंने लिखित भेजा है और दूसरे लोग नहीं आ सकते कार्यक्रम में, चलो दूसरों की कार्यक्रम नहीं है, ये महिलाओं का कार्यक्रम। आपको मार्केट जाते आ सकते थे, ऐसे लोग नहीं आ सकते जो किसी के लिए खतरा हो। देखते हैं खतरे को कितना टालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात सुन लीजिए ना, कौन आया था नहीं किया ना उनका काम कर जाता है। हमने तुमसे क्या कह दिया, वही बात है, छोड़ नहीं सकते आप, वो तो हमारी जान ले लेता। इस तरह रेलिंग का कूदा और उसके अंदर नहीं करना बैठने का, अब तो पुलिस बता देगी। अभी कुशीनगर का आदमी था, शरीफ आदमी, पेंटर, उसके बताओ भंजा लगा दिया और 40 दिन जेल का। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।